बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडीड अबाउट फोर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ फोर्स चेंज मोशन। फोर्स चेंज मोशन किस तरह, फोर्स किस तरीके से मोशन के ऊपर अप्लाई होती हैं और वो किसी भी चीज की मोशन को या इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, यानी उसको वो कम भी कर सकती है या इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ये फोर्स मोशन के साथ क्या क्या कर सकती है, इट कैन इंक्रीज मोशन, स्पीड ऑफ द मोशन, और कैन डिक्रीज, उसको कम भी कर सकता है और उसको डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। आज के इस सिलो में हम आज ये पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई एम गोइंग टू शो यू अ कार, एक कार जा रही है, उसके बारे में आप लोगों ने पहले मुझे बताना है। सी दिस कार, ये एक खास स्पीड के साथ जा रही है, राइट? अभी आप मुझे बता दें कि इस कार को अगर पीछे से कोई और बड़ी कार या कोई और चीज पीछे से इसको पुश कर दे, क्या करे, पुश कर दे, तो क्या हो जाएगा, इसकी मोशन तेज हो जाएगी, स्पीड इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको सामने से कोई चीज आए तो वो क्या करेगा, या तो इसकी मोशन को स्टॉप कर देगा या डिक्रीज कर देगा, या कोई और चीज। अगर यहां पे इसके साथ कुंडे बांध दिए जाएं और हम इसको पीछे पुल करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर फोर्स कैन इंक्रीज द मोशन, इन द सेकंड पिक्चर यू सी फोर्स कैन डिक्रीज द मोशन। अगर हम इसको पीछे से पुश करें तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर हम इसको पीछे पुल करें वापस खींचे तो ये क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज की अगर वो ऑलरेडी मूविंग है, यानी किस में है, वो मूविंग में है, मोशन में है, तो अगर मूविंग बॉडी को आप पीछे से इसको पुश करें तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और अगर आप उसको पीछे पुल करें तो वो क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। लिहाजा वी कैन से कि स्पीड के बढ़ाने के लिए या स्पीड घटाने के लिए, दोनों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है। और अगली क्लासेस में आप फोर्स को और ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे कि वो क्या क्या चीजें पैदा कर सकती है, लेकिन इस वक्त हम एक और एग्जांपल की तरफ आएंगे जहां पे हम फोर्स क्या करता है, ना यहां इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, बल्कि डायरेक्शन चेंज करता है। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आप खुद इसको कर सकते हैं। एक थ्रेड ले मजबूत सा, उसके सर के साथ कोई ऐसा पत्थर जो ये ओपन ना हो, वरना फिर आप किसी को मार दोगे, किसी को ये पत्थर यहां से उकड़ के निकल के किसी को भी लग सकती है। तो लिहाजा आपने एक ऐसे किसी पत्थर को या किसी और वजनी चीज को इस थ्रेड के साथ बांधना है और इसको ऐसे घुमाना है। जब तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो ये देखो, ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इधर बेंड क्यों हो गया, जब ये बेंड हो गया तो ये फिर इधर जा रहा था लेकिन आगे नहीं गया, इस तरफ बेंड हो गया, ये फिर यहां, और फिर देखो ये फिर इस तरफ, यानी हर मूवमेंट पे ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये कौन सी चीज है जो इसकी सीधा डायरेक्शन से इसको रोक देती है, ये फोर्स है, कौन सी, जो इसको सेंटर की तरफ खींचती है। सो प्यारे बच्चों, यू सी दिस पिक्चर एज वेल, क्या करता है कि यहां पे एक और चीज दी गई है, फर्ज करो ये इसको जाना चाहिए था इधर, और ये कहां चल पड़ा,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा होता है? आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया था, परपेंडिकुलर वो होता है जिसमें 90 एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड से सीधा ऊपर जो चीज जाती है या नीचे आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं जमीन पे। तो क्या करता है ये जो मूवमेंट है, इसके अंदर ये जो चेंज आती है परपेंडिकुलर, ये किसकी मदद से आती है? ये एक फोर्स है जो थ्रेड इस पे एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से जो स्टोन है ये उसके साथ जो थ्रेड के साथ लगा है वो आगे नहीं जा पा रही, बल्कि वो डायरेक्शन फिर चेंज कर लेती है, फिर चेंज और एक सिलसिला जारी रहता है। आते हैं टेक्स्ट की तरफ। इन सम केसेस वी आर इंटरेस्टेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, हमने यहां पे डायरेक्शन चेंज कर ली। फॉर दिस पर्पस वी अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है और फोर्स इधर अप्लाई हो गया, फिर डायरेक्शन इधर रवाना हो गई, फोर्स इधर अप्लाई हो गया, फिर फोर्स नीचे, मूवमेंट नीचे है और फोर्स ये, और इस तरीके से ये एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर मोशन फोर्स अप्लाई होता है कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, और ये चेंज कौन ला रहा है? फोर्स। सो वी कैन से कि फोर्स कैन इंक्रीज अ मोशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन डिक्रीज अ मोशन ऑफ अ बॉडी, एंड फोर्स कैन चेंज अ डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। सो प्यारे बच्चों, आते हैं होमवर्क की तरफ, और होमवर्क के लिए क्या है आपके पास? समर पैक। समर पैक लें और इसकी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर लें इसके साथ। टुडे यू विल बी डूइंग इट टुडे, सो डेफिनेटली यू विल बी लर्निंग मोर एंड मोर एंड यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।